पहले भी बता चुका हूं कि डेबिट और क्रेडिट करने के लिए दो नियम है। अकाउंट को जो बांटा गया है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, वर्गीकरण का जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में जो हमने पढ़ा पिछले क्लास में, बांटने के जो आधार हैं वो दो आधार है। पहला तो ओल्ड अप्रोच के अनुसार आप इसको बांटिए। ओल्ड अप्रोच के अनुसार कितने नियम हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए और किस अकाउंट के नियम हैं? ओल्ड अप्रोच के अनुसार कितने अकाउंट होते हैं? ओल्ड अप्रोच के अनुसार पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन अकाउंट होते हैं। ओल्ड अप्रोच जिसे आप ओल्ड अप्रोच के नाम से जानते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, और दूसरा नाम क्या है इसका? ओल्ड अप्रोच का एक और नाम ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं किस बारे में है ये मैं पहले आपको बता दूं, ये है अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड के बारे में या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या फिर हम यू कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच। ये नाम है अकाउंट का जो वर्गीकरण किया गया है दो आधार पर। दो आधार है यहाँ पर, एक तो पुराने नियम के अनुसार और दूसरा नियम के नए नियम के अनुसार। पुराने नियम के अनुसार जितने भी खाते हैं, जितने भी खाते होते हैं व्यापार में, उन सभी खाते को तीन ग्रुप में रखा गया। और जो नए नियम हैं उसमें जितने भी खाते हैं उसको नए नियम के अनुसार पांच ग्रुप में रखा गया है, फाइव ग्रुप्स। वो पांच ग्रुप क्या है? तो पहले मैंने पुराना नियम जो है ओल्ड अप्रोच और उसका दूसरा नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसी ट्रेडिशनल अप्रोच का एक और नाम ब्रिटिशियन, ब्रिटिशियन अप्रोच, और इसी का एक और नाम गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल्स के नाम से ज़्यादा फेमस है, सुनहरे नियम। आपसे कोई पूछेगा भी तो ये आपसे पूछ सकता है कि सुनहरे नियम बताइए, गोल्डन रूल्स बताइए। और जो अगला है अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड, अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हम इसे कह सकते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, या फिर इसी का नाम होगा न्यू अप्रोच, या फिर आप कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच, या फिर कहेंगे अमेरिकन। अब यही नाम आपको याद रखना है। अब बच्चे का नामकरण तो हो नहीं रहा, जो हम और अभी नाम आपको बताएं चुन्नू मुन्नू है ना, रामू श्यामू, तो आपको यही नाम याद रखना पड़ेगा। बच्चे का नामकरण नहीं हो रहा है इसलिए आपको यही नाम याद रखना पड़ेगा। सो आज का जो टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इस मेथड के अंदर पांच अकाउंट हैं, अकाउंट को पांच ग्रुप में बांटा गया है, पांच अकाउंट में बांटा गया है। इसके अनुसार पांच प्रकार के पांच अकाउंट होते हैं, इसके अनुसार गोल्डन रूल्स के अनुसार तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। इनके भी अपना अपना नियम, हमने पर्सनल अकाउंट का नियम, रियल का नियम, नॉमिनल का नियम हमने डेबिट और क्रेडिट करने के लिए देखा था। अब वही डेबिट और क्रेडिट हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच की मदद से डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। लेन देन में पक्ष को ढूंढेंगे और उस पक्ष को का एनालिसिस करेंगे और फिर डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। दोनों रूल्स का रिजल्ट सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। लीजिए, यहां मैंने लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच।